मैं चेतन को ड्रॉप करके मंदिर जाऊंगा, मतलब मैंने इतना कोहरा देखा था इसलिए मैं ब्लॉग बनाता हूँ, मजा आएगा। इट्स लुकिंग सो ग्रेट ऊपर। सवार इनके प्राइस हो गए, इधर देख सकते हैं, इधर नैना नैदी बैठी हुई है, मम्मी और चेतन, ये सब लोग बैठ के मटर से लग रहा है बीमार है। देख लो, मतलब इतना फ्रेश फ्रेश चेहरा, एकदम लुकिंग सो है, मतलब ये लेवल का वो पक्का एडिट ना कर मैं। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज केदार चौहान एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे, आपका भाई भी अच्छा है। बाल थोड़े बिखरे लग रहे हैं आज, क्योंकि वो ना आज कोहरा बहुत था। आई विल बी शो यू, मैं आगे दिखाऊंगा आपको, मतलब मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, दैट्स व्हाई आई विल बी शो यू। और कोहरे का लेवल बहुत जबरदस्त है गाइस, और मैं चेतन को ड्रॉप करके मंदिर जाऊंगा, मतलब मैंने इतना कोहरा देखा था इसलिए मैं ब्लॉग बनाता हूँ, मजा आएगा। इट्स लुकिंग सो ग्रेट ऊपर, क्या लेवल का कोहरा हो रखा है भाई। बट बहुत गजब लेवल का कोहरा था बाहर, इसीलिए पूरा बाल वाल उसी से भीग गया, इवन पूरी जॉकेट भी। मैं मंदिर पहुँचा हूँ तो भीग चुके थे, और अभी लेट्स गो, मैं छत पे थोड़ा आपको दिखाता भी हूँ, मे बी आपको यहाँ लाइव देखने को मिलेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग, बट इट्स पॉसिबल कि शायद देखने को मिल जाए, बिकॉज मैं जब गया तो बहुत ज़्यादा था। अभी आज धूप भी नहीं है, इसीलिए धूप नहीं है, बस हाँ कोहरा धुंध हल्का हल्का है, बट उस लेवल का नहीं है, तो यू कैन नॉट बी से कि हाँ प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। सी मतलब ऐसे ऊपर पूरा पीछे ऐसे नहीं आ रहा यार, धुंध है बट उस लेवल का आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट अच्छा वाला कोहरा है हर तरफ, ऐसा नहीं है। देखो ऊपर वेदर कैसे हो रखा है, वो पेड़ प्रॉपर दिखाई नहीं पड़ा बिकॉज कोहरे का लेवल अभी भी बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा है। मतलब जब मैं चेतन को छोड़ने गया तो बहुत लेवल का था, दैट्स व्हाई वी जस्ट शूटेड समथिंग कि मैं दिखाऊंगा, मतलब मजा आ गया देख के। कोहरा ठंडी का लेवल बढ़ना चाहिए ना, अभी ऑलमोस्ट 10 दिसंबर चल रहा है, अगर ठंडी अधिक नहीं पड़ेगी तो गर्मी का लेवल बहुत हाई होगा, तो इसीलिए वी जस्ट ऑल्सो वॉन्ट कि हाँ ठंडी ठीक ठाक पड़नी चाहिए। हाँ ठंडी लग रही है, जॉकेट स्वेट टी शर्ट सब पहन के बैठा था, और जहाँ मैं बैठे काम करता हूँ वो तो बहुत ठंडा भी करता है, बहुत ठंडा करता है। मैं सारे पर्दे वर्दे बंद करके रखे थे, इवन मम्मी बोल रही है क्या नाम है इस जाली को भी कवर कर देते बिकॉज यहाँ से भी हवा जाता है। तो अभी चलता हूँ नीचे फिर से, मैं तो बस दिखाने के लिए चला आया था आपको कोहरा। तो आर्यन का आज फेट था, सी उसने पैंट पहन के रखा इसलिए ऐसे। तो आर्यन का आज फेट था स्कूल में, क्रिसमस फेट था, क्रिसमस मजा आया। तो कैसा रहा? मजा। और आर्यन को ड्यूटी भी दी गई थी, उसको एक को झूले की ड्यूटी हमें दी है, और आर्यन उसके साथ साथ प्राइज भी इसने जीते हैं, है ना। लेवल बंदे का देख लो कि बंदा सुबह कितने बजे गया भाई साहब? 12 बजे गया, जस्ट अभी आया है, मतलब ऑलमोस्ट 6 अभी गाइस 6 बजने वाले हैं, अभी आया है, फुला मौज मार के आए, झूला उला झूल के खा पी के एकदम, मतलब फुला मौज मार के आया बंदा, मतलब उस पर झूले की जो एंट्री होती है वहाँ पर उसकी ड्यूटी थी। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये यार ने मतलब कहाँ जीते हम लोग, कैसा नंबर है, और उसमें और भी इसमें कलर अलग करना था, और एक वो है, और ये सब आर इनके प्राइज हो गए। एंड गाइज इधर देख सकते हैं, इधर नैना नैदी बैठी हुई है, मम्मी और चेतन, ये सब लोग बैठ के मटर छील रहे। चेतन ऑलवेज सपोर्ट टू ईच अदर, सबको सपोर्ट करता है मेरा भाई। सी गाइस देख लीजिए, कुमार की देवी बैठी हुई है, शकल देख लो गाइस, मतलब गाइस शकल देख लो, शकल से लग रहा है बीमार है, देख लो मतलब इतना फ्रेश फ्रेश चेहरा, एकदम लुकिंग सो ग्रेट बंदी। बोल रही मेरी तबीयत खराब है, ओमिट आ रही है, खांसी आ रही है, और फीवर है, ऐसे करके बहुत सारे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं बिकॉज मैडम को वायरल होकर रखा है, ठंडी लग गई है। इनके साथ में प्रॉब्लम है गाइस, प्रॉब्लम ये है कि आप बोलोगे इनर पहन लो, मेरे को नहीं पहना मेरे को ठंडी नहीं लगती है, आप स्वेटर पहन लो, मेरे को नहीं पहना मेरे को ठंडी लगती है, तो ठंडी लगी मतलब इनको लगती नहीं थी, तो ठंडी का मैं तुमको लगूंगी, तो इसको ठंडी लग गई। हंसने वाली बात नहीं है, जोक नहीं है, सीरियस बात है, झेले बैठ गए। और अभी मैं चलता हूँ नहाने के लिए बिकॉज अभी पापा भी जल्दी आ गए, तो पापा नहा रहे हैं, उसके बाद मैं नहाऊंगा, तो मेरे को आज थोड़ा लेट में नहाने को मिलेगा, सो बस मैं अभी जा रहा हूँ नहाने। तो गाइस अभी मतलब यहाँ पे डिस्कस हो रहा था, देखो थोड़ा गुस्से उससे बैठी है, बोलती है मेरे को बात ही नहीं करना है। चेतन को सजेस्ट कर दी कि उसको कानपुर जाना है कार्ड लेके, चेतन जाने वाला है, तो वहाँ पे 8-10 कार्ड है,
पीछे मम्मी बोल रही है क्या बताएं, तो 8-10 कार्ड है वहाँ पे, तो चेतन मस्ती मार रहा था, तो नयादी फ्रस्ट्रेट हो गई। मतलब लिटरली बताऊं, नयादी की शादी है बट शी इज आल्सो डूइंग मच मोर हार्ड वर्क, वो अपना इतना हार्ड वर्क अपना 200% दे रही है कि मतलब किसी को भी कार्ड छूटे नहीं। मतलब इतना इतना हार्ड वर्क मार रही है। देखो देखो एक्साइटमेंट देखो दिख रहा है, मतलब ये लेवल का वो एडिट पक्का एडिट ना कर। मैं नदी बोल रही, मैं इसको कट करूंगा, मैं इसको कट नहीं करने वाला हूं, मैं इसको पूरा डालने वाला हूं। ये एक्साइटेड है भैया। सो गाइस, मैं पता है मैं सभी से बात ही कर रहा था कि दिलीप आ गया और मेरे को जबरदस्ती लेके चला गया मार्केट, चल कुछ घूम के आते हैं। इवन भाई साहब कुछ खाना वाना नहीं था बट जबरदस्ती लेके गए मेरे को। मैं गया, चेतन दोनों गए थे और एक शॉप पे जाके थोड़ी चॉकलेट वगैरह देखी बट पसंद नहीं आया। हाँ, चेतन ने लेना है, दैट्स व्हाई हमने देख लिया गया थे, फिर बोला चल कुछ खाते हैं। सो मार्केट में गए, एक जगह खड़ा किया मैंने कहा हाँ चलिए खा लेते, बट नहीं ये नहीं कुछ और खाते भाई साहब का मोटो। फिर आगे गए, फिर कुछ नहीं, समोसा, अरे समोसा मतलब ऑलमोस्ट खाना खाने समय पर समोसा कौन खाता है भाई। तो मैंने ऐसे मना किया, कुछ उसने मना किया और अपन लोग बोला एक काम कर गाड़ी घुमा, अपन घर जाएंगे कुछ नहीं खाना है। तो मैंने गाड़ी यू टर्न मारी और सीधे घर चला आया। हाँ, और घर आ गया तो अभी खाना खाने का मतलब आए काफ़ी टाइम हो गया। फिर बातें होते सभी के बीच में होनी रही, बिकॉज यू नो आई टोल्ड यू चेतन को जाना है, तो वही सब बातें हो रही थी। और अभी खाना खाने का समय हो गया, काफ़ी लेट हो रहा है, वो 10:00 बज रहे हैं, 9:49 हो रहे हैं। सो अभी चलता हूँ मैं, तो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो को वीडियो पसंद, चैनल बनाया हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए वीडियो को, लाइक चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आई नीड योर सपोर्ट, ट्रूली आई नीड योर सपोर्ट। गुड नाइट, टेक केयर, सी यू।